हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं। तो आज आपसे शेयर करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और क्रिस्पी चिकन फ्राई की रेसिपी। यहाँ पर मैंने ले लिया है 400 ग्राम चिकन और इसे मैंने मीडियम रेगुलर साइज़ में काट लिया है। यहाँ पर मैंने मीट के अलावा बोन्स भी लिया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए पहले इसमें मिला देते हैं नमक स्वाद अनुसार और यहाँ पर डाल देंगे एक चम्मच यानी कि एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये अच्छा खासा तीखा है। हाफ टी स्पून डाल देंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैंने ले लिया है दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर ले लिया है दो बड़े चम्मच प्याज का पेस्ट, इससे अच्छा क्रिस्प आएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून यानी कि डेढ़ चम्मच दही। कलर के लिए यहाँ पर ले लिया है फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर डाल देंगे चार छोटे चम्मच चने का बेसन। अब इसमें डाल देंगे दो टीस्पून कॉर्नफ्लोर, इससे चिकन फ्राई में बहुत ही अच्छा क्रिस्प ऐड होगा। अब चिकन को सारे मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। अब बहुत ही अच्छे से इसे गर्म करने के बाद, फ्लेम को मीडियम करने के बाद, अब चिकन पीसेस में डाल रही हम चिकन को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। अगर सारे पीसेस एक साथ एडजस्ट नहीं होता है तो दो बार में इसे फ्राई करिएगा। आप देख सकते हैं चिकन का एक साइड बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। चिकन के दूसरे साइड भी बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और जो बाकी के चिकन पीसेस हैं बिल्कुल इसी प्रोसेस में फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, इस तरीके से चिकन फ्राई बना के देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अकेले बना के मत खाएं, अगर गेस्ट आए तो उन्हें भी ज़रूर परोसिएगा, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा क्रिस्प आया है, बहुत ही कलरफुल हुआ है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और रेसिपी भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक। देखते रहिए रुमानास टेस्टिवल, फिर से मिलते हैं एक और टेस्टी रेसिपी के साथ।